जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जो सिलाई मशीन का मोटर होता है, जो कि जो व्हाइट मुंडी होता है ब्रादर का, बहुत सारे व्हाइट मुंडी वाला अभी मशीन जो है उसका जो इतना बड़ा साइज का जो मोटर होता है उस मोटर को ऐसा दबाएगा तो मोटर चालू हो जाता है, और जैसा ही छोड़ देगा तो ब्रेक लग जाता है, यानी कि जो इसका जो पहिया है ना उसको पकड़ना नहीं पड़ता है काला मुंडी का जैसा। तो और कभी कभी क्या होता है, जैसा कि दबाया तो मशीन चलता नहीं है, इसका अंदर का जो लाइनर ये टूट जाता है, या इसका अंदर का जो ब्रेक शू है, ब्रेक लाइनर है, ये टूट जाता है। तो इसके लिए हम मोटर को खोल के अगर गांव में है तो बहुत दूर लेके जाना पड़ता है, शहर में है तो भी कभी कभार मिस्त्री आता है, कभी कभार आता नहीं है। तो आप खुद ही आसानी से इसको कैसा खुद रिपेयर कर सकता है, ये आज मैं इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों शेयर करने से पहले, जो मेरे चैनल पे पहला बार आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द फैशन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर फारूक, आप देख रहे हैं YouTube चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाबू भाई मेरे को सब्सक्राइब करना। बाबू भाई वो यूट्यूब चैनल एफएम फैशन जींस के बारे में जो बोलता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला आपको क्या करना है, बोर्ड में से आपका जो प्लग है उसको रिमूव करना है, नहीं तो डेंजर सर्विस हो सकता है। तो दोस्तों आपको लगेगा एक फेविबॉन्ड, एक टेस्टर, एक पकड़ प्लस, एक स्क्रू ड्राइवर, एक टूटा हुआ लाइनर, और अगर लाइनर चेंज करना है तो एक आखा लाइनर। दोस्तों ये तीन या चार नाट रहता है, स्क्रू रहता है, इस स्क्रू को पहला आपको खोलना है। मेरा मदद कर रहा है शामिम, ये मेरा मिस्त्री है। तो दोस्तों आपको मोटर के बारे में कोई भी सवाल है, पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शामिम भाई का नंबर दे दूंगा, उधर से फोन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लाइनर एकदम बराबर है, इसको ये ब्रेक शू इसका टूट गया, इसी को हम लोग अभी रिपेयरिंग करके आपको दिखाएगा। और लाइनर चेंज करना है तो ये चार नट खोल के उधर लाइनर बिठा देना है, ये है लाइनर नया, इधर ही लगता है। तो ये लाइनर अभी हम लोग चेंज नहीं करेगा हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अभी हम लोग चेंज करेगा इसका जो ब्रेक लाइनर, इसका नीचे रहता है, तो इसको खोलना है, ठीक है। तो पहला इस नट को खोलना है, स्प्रिंग को उतारना है, फिर इसको पुल्ली को खोलना है, पुल्ली खोलने का बाद ये जो रड है इसको निकालना है, फिर ये लेवर को निकाल देना है। निकल देने का बाद पूरा अंदर से ये आ गया। तो ये जो टुकड़ा देख रहा है लोखंड का, ये टुकड़ा थोड़ा घिस के साफ करके उसको गम लगा के ये जो टूटा हुआ लाइनर इतना सा इसका नाप का तोड़ के इधर गम से चिपकाना है। तो पहले इसको थोड़ा पॉलिश पेपर से घिस के थोड़ा सफाई कर देना है, क्योंकि ये जो गम है ये बराबर चिपके उधर, बस सिम ऐसा ही लेना है। सो गाइस, ये फेविबॉन्ड लगाने के बाद आधा से लेके एक घंटा, कम से कम दो घंटा आप छोड़ देगा इसको नहीं चलाने का, क्योंकि ये बराबर चिपक जाए फिर आप इसको इस्तेमाल करना। लाइनर को आप फिट कर सकते हैं, या पूरा जो मेन रनिंग लाइनर होता है वो भी आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं है। आपका पास फैक्ट्री है तो आप खुद ही लगाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम गांव में होता है, क्योंकि गांव में जो मोटर रिपेयरिंग का जो मिस्त्री होता है ना वो बहुत लंबा दूरी पे होता है, और ये इतना वजन वाला मोटर को लेके जाने के बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों ये है एस्टॉपर, ये उस ब्रेक को एक पर्टिकुलर जगह पर रोकाता है ये स्क्रू से। तो इसको थोड़ा ढीला करके उधर अपना जो ब्रेक्स हुए उसको बिठाना, और ये जो नट खोल रहे अभी ये नट इसका अंदर डाल के
ये वो नाटकों पर ये बैठेगा। हाँ एकदम, हाँ यही है, हाँ इसी को बिठा के फिर स्क्रू को फिट कर देना है, टाइट कर देना है, क्योंकि वो ज़्यादा हिले नहीं। और जैसा कि आपका ब्रेक का गैपिंग किस कितना चाहिए, वो हिसाब से नीचे वाला जो नट है उसको ढीला टाइट करके कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको गैपिंग कितना चाहिए, ब्रेक जल्दी लगना चाहिए या थोड़ा ढीला लगना चाहिए। तो इसमें थोड़ा ऑयल वायल डाल दे रहा हूँ, खोला है तो ऑयल डाल के थोड़ा फ्री करके फिर फिटिंग कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों इसका अंदर एक होल्ड है, ये होल्ड ये लेवर के ऊपर एक गोल सा बॉल टाइप का है, उस सीधा रखने का, और ये छोटा जो एल नॉट इसको लगा देने का। जैसे ही आप खोला था ना उसी प्रोसेस को फॉलो करके फिर फिटिंग करना है, और फुटेज में तो आप देख ही सकते हैं कैसा इसका फिटिंग हो रहा है। बस इस रॉड को लगा के इसका बाजू में लॉक रहता है छोटा सा एक वाइसर टाइप का, वो लॉक फिक्स कर देना है ऐसा। ये लॉक अभी लगा रहे, ठीक है। अभी स्प्रिंग लग गया, अभी पुली लग रहे हैं। तो ये बैज कंप्लीट हो गया है। इसका लाइनर हम लोग बदली नहीं किया, लेकिन बता दिया आप बदली कर सकते हैं। तो हम लोग जो थोड़ा मगजमारी है वो वाला आपको करके दिखाया, जो ब्रेक शू को ये एडजस्ट हो रहा है जो हिसाब से आपको गैपिंग चाहिए वो हिसाब से, फिर इसको टाइट कर देना है। बाद में मोटर फिटिंग करने के बाद भी आप इसको कम ज़्यादा करके मोटर का जो गैपिंग ब्रेक लगने का जो गैप है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेक लग गया, ये है गैपिंग। आप कितना दबाएगा तो आपका मोटर चलना चाहिए, और कितना छोड़ेगा तो आपका ब्रेक लगना चाहिए, वो एडजस्ट वो वाला नट से होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अभी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।